Hello, my name is Rakti Borman and he is my husband Parthava. हम लोग बांग्लादेश से आए हैं. पहले जब इसको फिस्टुला हुआ था 2016 में, तो डॉक्टर को पता नहीं था ये कोई फिस्टुला वगैरह है, तो उन्होंने समझा ये कोई एब्सेस है. तो इसको बुखार हुआ, दर्द हुआ, तो उन्होंने इसको बोला ये इसको काट के एब्सेस वगैरह निकालना पड़ेगा. तो उन्होंने एक दिन में इसको इसका एब्सेस जो है वो काट के निकाल दिया और उसी दिन ही घर भेज दिया. बट उनका जो ड्रेसिंग वगैरह जो भी प्रोसीजर था वो अच्छा नहीं था. इसके वजह से 6 महीने बाद इसको दोबारा से वही प्रॉब्लम हो चुका था. फिर उसी दिन ही उसे बुखार, पेन, वो चल नहीं पाता था. फिर उसी दिन उसको दोबारा से हॉस्पिटल लिया गया बांग्लादेश में. तो उन्होंने फिर से वो जगह को काट के वो एब्सेस वगैरह निकाल दिया. फिर ये जो प्रॉब्लम थी ना वो 2-1 महीने में ठीक हो गई. बट ये जो प्रॉब्लम है वो बार बार होती रही, दर्द वगैरह. फिर हमने बांग्लादेश में एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला एम्स से नहीं हो पाएगा ठीक से, अच्छे से. फिर हमने कोलकाता में भी अपोलो में दिखाया था, फिर उन्होंने भी बोला उनसे नहीं हो पाएगा. तो जो कोलकाता के डॉक्टर थे उन्होंने बोला आप दिल्ली या चंडीगढ़ जाओ और अच्छा सा कोई डॉक्टर दिखाओ. फिर हमने नेट पे सर्च किया एशिया का बेस्ट फिस्टुला डॉक्टर, तो हमें पंकज जी का पता चला. फिर हमने व्हाट्सएप का नंबर लिया उनका, तो व्हाट्सएप पे विकास जी ने हमें बहुत हेल्प किया. उन्होंने बोला, हमने बोला ये इसका ये जो फिस्टुला है इसका कैसे कुछ करें, तो विकास जी ने हमें बहुत कुछ समझाया. बोला ये कोई डरने वाली बीमारी नहीं, ये डॉक्टर जी बहुत अच्छे हैं. तो हम 1 महीने में सब कुछ वीज़ा वगैरह सब कुछ करके 1 महीने में आ गए. और 7 जुलाई इसका ऑपरेशन हुआ है और उसी दिन ये चलने लगा. और दूसरे दिन से चल फिर पाए. और ये जो 16 दिन हम रुके, 16 दिन में इनके यहाँ हमने ड्रेसिंग सीखा और भरकर जी और विकास जी ने दोनों ने मिलकर इसका ड्रेसिंग किया. और हम भी घर पे 2 टाइम इसका ड्रेसिंग करते हैं. ड्रेसिंग में सिर्फ एक मिनट का टाइम लगता है और ड्रेसिंग में कोई वैंडेज वगैरह नहीं होता, सिर्फ उसे सफाई करना पड़ता है. और आज हम एक दिन पहले, कल हम जाने वाले हैं और आज एक दिन पहले हमने चंडीगढ़ घूमा, जू गए, एलआरटी मॉल गए. अब ये बिल्कुल ठीक है. तो हम पंकज जी से इसका ऑपरेशन करवाए, बहुत सेटिस्फाई है. वी आर हैप्पी नाउ.